हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कोई है तो वो बम्बई सरकार है। हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा सरकारी खजाना लूटकर अपनी जेबें भरने वाली कोई सरकार है तो वो ये बम्बई सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और दोस्तों, इसे चलता करने का समय आ गया। ये 40% कमीशन की सरकार है, जैसा मुझसे पहले बोलते हुए साथी कह रहे थे। ये पे सीएम की सरकार है, इन्होंने किसी को छोड़ा नहीं, इन्होंने तो बीजेपी के लोगों को भी नहीं छोड़ा। इन्हें हर रोज पैसा चाहिए, ये दोनों हाथों से लूटते हैं, जेब भी भरते हैं और बोरी भरकर घर भी ले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी इस सरकार में आत्महत्या करने को मजबूर हैं, क्योंकि वो इनके पैसे की हवस, भ्रष्टाचार की हवस पूरी नहीं कर सकते। आपने देखा कि हमारे पड़ोस में बेलगांव में भारतीय जनता पार्टी के एक साथी कार्यकर्ता नेता संतोष पाटिल को आत्महत्या करनी पड़ी, क्योंकि वो बीजेपी सरकार के एक मंत्री को भ्रष्टाचार का 40% कमीशन का पैसा नहीं देकर दे पाया। गए थे सिद्धारमैया साहब, डीके शिव कुमार जी, मैं, हम सब वहां संतोष पाटिल के परिवार से मिले, उनकी बेवा से, उनकी विधवा से मिले, उनके बच्चों से मिले, और उन्होंने छाती पर हाथ रखकर एक ही बात कही दोस्तों, कि आज उन्हें दुख है कि उनके परिवार का कोई सदस्य बीजेपी से जुड़ा था। एक घर तो डायन भी छोड़ देती। 40%, जी हां, 40% की जमाखोरी ने ले ली जान कमीशन खोरी ने, 56 इंच की कमजोरी ने, चोरों के सिनाजोरी ने ले ली जान कमीशन खोरी ने। कर्नाटक शर्मसार हो गया मंत्री के मुहजोरी से, जान दे गए संतोष पाटिल नकारी सरकार की रिश्वतखोरी से, लूटम लूट मचा है जनता की तिजोरी से, 40% की रिश्वत ने ले ली जान कमीशन खोरी ने। अपनों को अपने लूट रहे भाजपा की सरकारों में, कर्नाटक का हाल देख लो, जान ले ली कमीशन खोरी ने। मंत्री चुप, मुख्यमंत्री चुप, चुपचाप गृहमंत्री हैं, मन की बात समझ ना आए, चुपचाप प्रधानमंत्री हैं। रिश्वत खोरी, कमीशन खोरी, चिट्ठी पहुंची मुहाने में, 40% की शिकायत ने जान ले ली सिनाजोरी ने, सरकार की कमजोरी ने जान ले ली कमीशन खोरी ने। कर्नाटक सरकार का हाल, जनता रहे हरदम बेहाल, काली कमाई का माया जाल ने अपनों की ही ले ली जान, 40% की जमाखोरी ने, 56 इंच की कमजोरी ने, चोरों के सिनाजोरी ने ले ली जान कमीशन खोरी ने।